करते हैं फाइव सीज पे, राइट. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक आई टोल्ड यू अबाउट फाइव सीज. सो फाइव सीज, इफ यू टॉक अबाउट फाइव सीज, फर्स्ट थिंग इज कस्टमर, कॉम्पिटिटर, कॉन्टेक्स्ट, collaboration and the company. These are the five C's that we are going to cover today. So if you talk about customer, सबसे पहला अगर हम बात करें कि customer हमें कोई भी हमारे अगर हम service दे रहे हैं, कोई भी हम marketing कर रहे हैं, so first thing is we need customer. Customer हमें पहले major हम इन्हें channelize करना है, हमें बैठ के decide करना है कि किस type का customer हमारा हो सकता है. Now what we'll do a small activity in the chat box. आप सबको जो भी लगता है कि आप So, हमें क्या लगता है, हम एक पेरेंटिंग काउंसलर हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, सो किस टाइप का कस्टमर हमें चाहिए हो सकता है, दैट विल राइट. फॉर एग्जांपल, इफ यू थिंक योर कस्टमर कैन बी अ स्टूडेंट, इफ यू थिंक योर कस्टमर कैन बी अ फादर, इफ यू थिंक योर कस्टमर कैन बी अ मदर, इफ यू थिंक योर कस्टमर कैन बी फ्रॉम अ वेरी हाई क्लास सोसाइटी. फॉर एग्जांपल, जो एप्पल का कस्टमर है वो बहुत अलग है, जो ओप्पो का कस्टमर है वो बहुत अलग है, जो मर्सिडीज का कस्टमर है वो बहुत अलग है, बेंटले का अलग है, वहीं पे जो मारुति है, स्विफ्ट डिजायर है, टाटा नैनो, इन सबके कस्टमर है. सो हर कोई कस्टमर का डोमेन अलग है. सो अभी हम क्या करेंगे, हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम जो भी एक्सपर्ट है, नाउ वी राइट कि आपका कस्टमर कैसा होना चाहिए. वी राइट दिस इन द चैट बॉक्स, जस्ट 2-3 वर्ड्स एंड दैट्स इट. सो कम ऑन, आई एम राइटिंग इट फॉर मी. My customer is mental health influencers. Jaya has written student and family. Come on guys, participate. The more you will share, the more you will express, the more you will talk, the more you will learn. That's the simple formula of this webinar. Otherwise, there's no meaning. Lipti has written adult, children and adolescent. Mansi has written parenting and self-awareness. Lithi has written. It means there are a lot of people who are aware about what kind of customers, student, parents and couple. Khushbu has written, okay, nice. Fellow student wishing to learn more about mental health and psychology. Ruhi has written, okay, great. So this is the way, guys, you are going to, you should channelize your customer, you should channelize your audience, you should channelize your customer domain or customer type, we can say, right? Second thing is competitor. Guys, many a times we don't focus on competitor. This is the biggest mistake that a lot of marketing people do. हमें लगता है कि हम तो नए हैं, competitors की जरूरत ही क्या है. कभी कभी हमें लगता है कि हमारे तो competitors है ही नहीं. कभी हमें लगता है कि बहुत ज्यादा है तो research करके क्या करना. But guys, always have a proper list of the competitors whom you are going to compete. अगर आप रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में कितने सारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स हैं, कौन बेस्ट है, कौन नया आ रहा है, कौन पुराना है, कौन कैसा है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स की. गाइस, कॉम्पिटिटर्स से सिर्फ हमें कॉम्पीट करने में मदद नहीं मिलती, बजाय हमें कॉम्पिटिटर से ये भी मदद मिलती कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं. वी कैन कॉपी देयर टेक्निक, वी कैन कॉपी देयर स्टाइल, वी कैन ट्राई टू इम्प्रूव आर ओन टेक्निक, वी कैन ट्राई टू इम्प्रूव द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रक्चर. सो कॉम्पिटिटर्स ऑलवेज हेल्प्स यू टू पुश योर ओन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी. सो ऑलवेज हैव अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स दैट यू आर हैविंग. नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्टेक्स्ट, इट कम्प्लीटली टेल्स अबाउट द कॉन्टेंट. हमारा जो कंटेंट होता है, अगर मैं साइकोलॉजी एक्सपर्ट हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास कुछ ना कुछ कंटेंट होगा, बिना कंटेंट के मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट मार्केटिंग, इफ यू टॉक अबाउट ब्रांडिंग, अगर आप कंटेंट वीडियोस के फॉर्म में दे रहे हैं, अगर आप कंटेंट रिटन फॉर्म में दे रहे हैं, कैसा भी आप कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्राई करो कि वो कंटेंट बहुत अच्छा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको एंगेज करें. रैंडमली कोई भी कंटेंट डाल देना इज नॉट मार्केटिंग. आपका जो कंटेंट होता है वो आपकी नीश से जुड़ा होना चाहिए. अगर आप पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं तो आपका जो भी कंटेंट आ रहा है, चाहे वीडियो फॉर्म में, वो हमेशा उसी चीज से रिलेट करना चाहिए. लेट मी गिव एन एग्जांपल हियर कि अगर हम बात करें, हाउ मेनी ऑफ यू नो संदीप महेश्वरी. आई होप लॉट ऑफ पीपल माइट हैव हर्ड अबाउट संदीप महेश्वरी, राइट. सो
आपने देखा होगा कि संदीप महेश्वरी का जो भी कंटेंट होता है वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन से जुड़ा होता है, लाइफ कोचिंग से जुड़ा होता है, क्योंकि संदीप महेश्वरी की नीश वही है, राइट? इफ यू टॉक अबाउट विवेक बिंद्रा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट विवेक बिंद्रा? एनीवन हैज हर्ड हिज वीडियोस और हैज सीन हिज लेक्चर्स? सो बेसिकली विवेक बिंद्रा, ओके ग्रेट, सो बेसिकली विवेक बिंद्रा का काम क्या है? बिजनेस कोच, ही इज अ बिजनेस कंसल्टेंट. सो उसके सारे जितना भी कंटेंट रहता है, चाहे वो रिटेन हो, चाहे वो बूट कैंप्स हो, चाहे वो वीडियोस हो, यूट्यूब वीडियोस हो, वो सारे वीडियोस कहीं ना कहीं सिर्फ मार्केटिंग को टारगेट करते हैं, सेल्स को टारगेट करते हैं, बिजनेस को टारगेट करते हैं, क्योंकि ही इज अ बिजनेस कोच. तो ऐसे ही हमारे जितना भी कॉन्टेक्स्ट होगा या हमारा जितना भी कॉन्टेंट होगा वो सारा हमारा हमारी नीश को टारगेट करना चाहिए. रैंडमली कुछ भी पोस्ट नहीं करना है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे या अपनी वेबसाइट्स पे या अपने अपने किसी भी स्ट्रक्चर पे. एवरी कॉन्टेंट हैज टू बी प्लान्ड एंड चैनलाइज्ड, राइट? नेक्स्ट थिंग इज कोलैबोरेशन. गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेट करना. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अकेले ही सब कुछ कर जाऊंगा, मैं अकेले ही सब कुछ कर जाऊंगी, बट ऐसा नहीं होता है. इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ द बिजनेस, इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर सेटअप, यू एक्चुअली नीड पीपल टू हेल्प यू. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रब ऑफ इफेक्ट मार्केटिंग, दैट विद द हेल्प ऑफ अदर ब्रांड, विद द हेल्प ऑफ अदर अदर पीपल. हिंदू में भी कहावत भी है कि एक से भले दो, दो से भले तीन. तो वैसे ही है कि आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कोलैबोरेट करें. कोशिश ये करें, एक छोटी सी यहाँ पे बात हमेशा याद रखें, नेवर कोलैबोरेट विद द सेम नीश पर्सन. अगर आप रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं तो सेम रिलेशनशिप एक्सपर्ट से ना कोलैबोरेट करें. कोशिश करें दैट ही इज इनटू सम अदर डोमेन. अगर आप सेम से कोलैबोरेट करेंगे सो इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट? एंड आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट ये प्रॉब्लम क्यों हो सकती है. बट हाँ, कोशिश ये करिए कि डोंट कोलैबोरेट विद द सेम नीश पर्सन, कोलैबोरेट विद अ पर्सन हु इज फ्रॉम अदर डोमेन. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सबसे बड़ा अगर आपको एग्जाम्पल बताऊँ कोलैबोरेशन का, सो रिसेंटली टू टेली कम्युनिकेशन कंपनीज कोलैबोरेटेड. अभी आप लोग पूछेंगे कि वो तो सेम है, वो कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, बट एनी वन हु कैन टेल मी, दो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज कोलैबोरेट हुई थी कुछ दिनों पहले, महीनों पहले. वो कौन सी थी? क्योंकि उनके पास एयरटेल एक अपना एक अलग स्ट्रक्चर बना चुका था, एयरटेल का मार्केट कैपिटलाइजेशन अलग है, जियो एक बहुत बड़ा चेंज मेकर आया था, तो दोनों को लगा कि रहते थे हमारी कंपनी बंद हो जाए, वी कैन कोलैबोरेट एंड वी कैन कम अप विद अ डिफरेंट प्लान्स एंड एवरीथिंग. सो दैट वाज द रीजन. बट सेम डोमेन के लोग कभी कोलैबोरेट नहीं होते. रिसेंटली एक जोमैटो का कोलैबोरेशन हुआ था, आपने देखा होगा, जो योलो साइकिल होती है, मैंने फिर सीन दैट मेट्रो के बाहर हो रखी थी, ब्लू कलर्ड साइकिल चार्जिंग पे चलती है वो. तो जोमैटो हैज कोलैबोरेटेड विद योलो. उन्होंने क्या किया, बिकॉज ऑफ कोविड लोग बाहर नहीं निकले, मेट्रोज बंद थी, तो योलो का जो फाउंडर, वो जो स्टार्टअप था, वो कम्प्लीटली नीचे जा रहा था. तो वॉट दे हैव डन, दे कोलैबोरेटेड विद जोमैटो. तो जोमैटो के जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं वो आज योलो यूज़ करते हैं. जो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद मेट्रो सिटीज में जो लोग हैं वो लोग देखते भी होंगे कि ये साइकिल्स बहुत ज़्यादा जोमैटो वाले यूज़ करते हैं, बिकॉज जोमैटो हैज कोलैबोरेटेड विद देम. अब इससे क्या हुआ भाई, जोमैटो वालों का भी काम हो गया, उनको भी अपने जो डिलीवरी बॉयज हैं उनको पेट्रोल का खर्चा नहीं देना, बाइक में नहीं भेजना, साइकिल से काम हो जाता है. और जो योलो था उनका भी काम हो गया, उनका बिजनेस भी चल गया. सो दिस इज कॉल्ड एज कोलैबोरेटिव टेक्निक्स. हमेशा हम अपने दूसरे नीश के साथ कोलैबोरेट करते हैं और फिर हम उनके साथ काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब हम बात करें अगर काउंसिल इंडिया की, सो काउंसिल इंडिया के साथ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, लाइव कोर्सेज हैं, बट हमारे पास कुछ कोर्सेज नहीं है, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमारे पास नहीं है, क्रिमिनल साइकोलॉजी हमारे पास नहीं है, बिकॉज इंडिया में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं है बहुत अच्छे, सो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट नहीं है. तो हमने क्या कह दी, कोलैबोरेटेड विद अ कंपनी फ्रॉम आयरलैंड, तो हम लोग उनके कोर्सेज के साथ कोलैबोरेट कर लिया. तो हम आयरलैंड की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने के बाद अब हम हमारे क्लाइंट्स को इंटरनेशनल कोर्सेज देते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और क्रिमिनल साइकोलॉजी के. सो दिस इज कॉल्ड एज अ कोलैबोरेशन. हमेशा कोलैबोरेट करें किसी अलग डोमेन के साथ, किसी अलग नीश के साथ. इससे आपके कस्टमर के दिमाग में अच्छी चीज जाएंगी, पॉजिटिव बातें जाएंगी, प्लस आपकी बड़ी ब्रांड दिखाई देगी, प्लस आपको मल्टीपल सोर्सेज से कस्टमर आता हुआ मिलेगा. आपको अपना भी आएगा प्लस उसका भी आएगा, राइट? सो दिस इज हाउ कोलैबोरेशन हेल्प. नेक्स्ट इज कंपनी. फाइनली ये मेरी रिक्वेस्ट रहती है हर किसी से, गाइस, इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप अपना फ्रीलांसिंग करियर बनाना चाहते हैं या आप बहुत सारे क्लाइंट्स लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ रजिस्टर योरसेल्फ एज अ ब्रांड. सिर्फ रैंडम अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नाम पे भी काम करें तो अपने नाम को भी एक ब्रांड बनाएं. फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट रूही, फॉर एग्जांपल रूही अगर बनना चाहते कि मैं आगे चलकर एक साइकोलॉजिस्ट बन जाऊं, काउंसलर बन जाऊं, तो रूही अपना एक ब्रांड बनाए. खाली अपने नाम पे काम करने से बहुत ज्यादा लंबी ब्रांडिंग नहीं हो पाती है. अगर हम किसी की भी बात कर ले, अगर हम
फॉर एग्जाम्पल जो ऐसा इंडिविजुअल जो खुद बहुत बड़ा ब्रांड होता है बट स्टिल यू विल फाइंड कि उनकी कंपनी होगी वो कंपनी रजिस्टर करते ही करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे क्लाइंट्स के दिमाग में क्रेडिबिलिटी इश्यूज रहते हैं कि अगर इंडिविजुअल है तो कभी भी भाग सकता है लेकिन अगर कोई ब्रांड रजिस्टर्ड है तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रस्ट जनरेट होता है। गाइस मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ट्रस्ट जनरेट करना बहुत बड़ी चीज है। लोग ट्रस्ट जनरेट करना भूल जाते हैं और उसी ट्रस्ट की वजह से कस्टमर नहीं आते राइट। सो अपने आप को हमेशा कंपनी फॉर्म करें। अगर जरूरी नहीं है कि आपको पूरे प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म ही बनानी है, आप अपने आप को प्रोप्राइटर में रजिस्टर कर सकते हैं, छोटी सी बहुत ज्यादा चार्जेस भी नहीं है। कोई भी सीए आपको 1500 में आपकी कंपनी रजिस्टर करके दे देगा, आपके सारे कंप्लाइंसेस भी हो जाएंगे, प्रोप्राइटर में ज्यादा जीएसटी भी नहीं भरनी पड़ती, टीडीएस भी नहीं कटते, बहुत सारे फायदे। बट मैं यही चाहूंगा कि आप अपने आप को पक्का कोई ना कोई फॉर्म रजिस्टर करें या कोई भी ब्रांड अपना रजिस्टर करें राइट। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट।